इस वीडियो में आप सीखेंगे कि असमान पत्थरों की दीवार कैसे बनाई जाती है। आपको जिन उपकरणों की आवश्यकता होगी वे है मसाले का तसला, कन्नी, जॉइंटर, ब्रश, साहुल, सूत, हथौड़ा और कंक्रीट ब्लॉक की रूपरेखा। आप जिन सामग्रियों का प्रयोग करेंगे वे है असमान पत्थर और मसाला। व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग करना न भूले, जैसे सुरक्षा दस्ताने, रिफ्लेक्टिव जैकेट, सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा जूते एवं धूल से बचने के लिए मास्क। असमान पत्थरों की दीवार को बनाने के लिए सर्वप्रथम पहले रद्दे को निर्देशित करने के लिए रूपरेखाओं को तैयार करें। यहाँ पर हमने कंक्रीट के ब्लॉक्स को रूपरेखा के तौर पर प्रयोग किया है। रूपरेखाओं के बीच में सीमेंट के घोल को लगाएं ताकि जमीन मसाले की तह से पानी न सोखे। सीमेंट का घोल एक तरल मिश्रण है जिसे एक भाग सीमेंट को दो भाग पानी में मिलाकर बनाया जाता है। आपके द्वारा प्रयोग में लाए गए सबसे बड़े पत्थर की मोटाई के बराबर मसाले की तह का एक छोटा भाग बिछाएं। लगभग 12 मिलीमीटर मोटी मसाले की तह लगाएं ताकि पत्थर रखने के बाद अंतिम मोटाई 8 से 10 मिलीमीटर रहेगी। पत्थर को इस प्रकार रखें कि उसका सबसे अधिक समतल भाग दीवार के सामने की ओर हो। यह सुनिश्चित करने के लिए मसाले को ठोक करें कि पत्थर सतह पर चपटा टिक गया है। मसाले की तह के अगले भाग को बिछाएं। लगभग 10 मिलीमीटर के अवस्थान रिक्त स्थान को छोड़ते हुए अगले पत्थर को पहले पत्थर के साथ रखें और व्यवस्थित करें। रद्दे के पूरा होने तक इस प्रक्रिया को जारी रखें। यदि कोई पत्थर सामने की सतह से टेढ़ा हो रहा है तो उसे सीधा करने के लिए उसके नीचे पत्थर का एक छोटा टुकड़ा रखें। असमान पत्थरों का प्रयोग करते समय आपके द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रत्येक पत्थर पहले पत्थर से आकार और माप में अलग हो सकता है। पहले रद्दे में एक ऊंचे पत्थर को बराबर करने के लिए दूसरे रद्दे में उसके ऊपर एक छोटा पत्थर रखा जा सकता है। इस चरण पर ध्यान में रखने के लिए सबसे आवश्यक बात यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पत्थर सामने की दीवार पर समतल हो। रद्दे को पूरा होने तक इस प्रक्रिया को जारी रखें। इस अवस्था पर बड़े पत्थरों की एक रेखा इस प्रकार होगी कि वे दीवार के सामने की सतह के साथ अधिकतम संपर्क में हैं। कन्नी का प्रयोग करते हुए पत्थरों के नीचे और बीच में सभी खाली स्थानों को मसाले से भरें। कन्नी की धार को पत्थरों के बीच में डालते हुए यह सुनिश्चित करें कि पत्थरों के बीच सभी खाली स्थानों को मसाले से भरा गया है।
दीवार के एक सिरे पर दूसरे रद्दे के लिए मसाले की तह के एक भाग को बिछाएं। पहले पत्थर को रखें और सामने की सतह के साथ मिलाएं। यह सुनिश्चित करें कि वह पहले रद्दे के ऊपर अच्छी प्रकार से टिक गया है और उसका समतल भाग सामने की सतह के साथ है। दीवार के दूसरे सिरे पर भी यह दोहराएं। यदि पहला रद्दा अत्यधिक असमतल है तो पत्थर को सहारा देने के लिए छोटे पत्थरों या अतिरिक्त मसाले का प्रयोग करें। साहुल का प्रयोग करते हुए दोनों पत्थरों की स्थिति की जांच करें। शेष पत्थरों को बिछाने के लिए रूपरेखा को दूसरे रद्दे की ओर ले जाएं। यह सुनिश्चित करें कि सहायक सूत दीवार की सतह के साथ कसा हुआ है। पत्थरों की एक श्रृंखला को सूत के साथ साथ रखते हुए दीवार को भरें। पत्थरों की जांच करें और यदि आवश्यक है तो उन्हें फिर से व्यवस्थित करें। यदि विशेष पत्थर की माप किसी स्थान पर ठीक नहीं बैठती है तो आप छेनी और हथौड़े की सहायता से उसे उचित आकार दे सकते हैं। सूत को हटाएं और पत्थरों के नीचे और बीच के सभी खाली जगहों को भरें। दीवार की सतह के साथ लंबवत जोड़ों को मसाले से भरें और कन्नी की धार के साथ समतल करें। यह सुनिश्चित करें कि सामने की सतह पूरी तरह से समतल है। इन चरणों को तब तक दोहराएं जब तक आप इच्छित ऊंचाई तक न पहुंच जाएं। आखिरी रद्दा लगाने और मसाले से भरने के बाद यह सुनिश्चित करें कि दीवार का ऊपरी भाग समतल है।
दीवार के सतह के साथ लंबवत जोड़ों को मसाले से भरे और कन्नी की धार के साथ मसाले को एक समान फैलाए। अब आप मसाले के जोड़ों को रेखांकित करने के लिए ब्रिक जॉइंटर का प्रयोग कर सकते हैं ताकि दीवार को एक सुनिश्चित आकार मिल सके। कार्य के समाप्त होने पर अपने कारक क्षेत्र को साफ करें। अब आपने असमान पत्थरों की दीवार को बनाना सीख लिया है।